गाइज ये देख सकते हो, ये अपना सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। जैसा कि देख सकते हो गाइज, सारे लोग ऐसे ही रेस्ट करते हैं। जो भी ट्रेन से आए ना, वो भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बम जो भी कावरिया है सारे। तो यहाँ पे पहला सुविधा ये तो, ये देखो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हर जगह है। एक यहाँ पे है, एक उधर भी है, आगे भी है, वो उधर भी आगे है, मतलब भरा पड़ा है भाई पीने वाला पानी। तो ये सुविधा ना काफी चालू क्या होगा। और तीन नंबर तो मैं जब से आया हूँ ना यहाँ पे भाई, तीन नंबर पे कोई ट्रेन रुकी ही नहीं है भाई, कोई ट्रेन इधर आई ही नहीं है। इधर देखो ना तो सारा सिर्फ बम ही आपको दिखेंगे, पैसेंजर कम और बम ज्यादा। और अभी ना मेनली जा रहे हैं, टिकट चेक नहीं कर रहे हैं टीटी, क्योंकि काफी सारा बम आ रहा है ना। तो यार ये भाई ये देख रहे हो गाइस, मतलब ये सब भीड़ है ऊपर के साइड देखो, मतलब सारे लोग ऐसे रेस्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हो भीड़, अंदर एंट्री लो। और तो ये लो भाई, इधर भी भीड़। टिकट कहाँ मिलता है? गाइज हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइज अभी मैं देवघर में, सॉरी भाई सुल्तानगंज में अभी हूँ। और फिर यहाँ का सोचे यार, सुल्तानगंज आ ही चुके हैं तो आज क्यों ना अपन लोग सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बता दें। क्योंकि काफ़ी सारे कांवरिया जो भी बम आ रहे हैं ना, वो सुल्तानगंज आ रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं। तो पहले सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे ही आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन पे उतरते उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ स्टे करते हैं, रेस्ट वेस्ट करते, उसके बाद यमामी घाट जाते हैं, मतलब अजगैबीनाथ धाम जाते हैं। और फिर वहाँ पर स्नान करते हैं, पानी लेते हैं कांवर में, और फिर देवघर की तरफ निकल जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपको देवघर से पहले सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन दिखाना है, क्योंकि काफ़ी सारे बम है जो ट्रेन से ही आते हैं, बस से बहुत कम ही आते हैं, ट्रेन से ही ज़्यादातर आते हैं। क्योंकि ट्रेन से ना ज़्यादा सुविधा, अच्छा सुविधा, प्लस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या सुविधा है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइज। और इसी बात पे जो भी हमारे चैनल पे नए बंदे आए, प्लीज़ यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक। और चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइज। गाइज ये देख सकते हो, ये अपना सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है। जैसा कि देख सकते हो आप लोग, देख भी रहे सुल्तानगंज, बस इसको क्या पढ़ सकते हैं तो मेरे को नहीं पता, लेकिन सुल्तानगंज इसको सिर्फ बोल सकते हैं। तो इधर के साइड देखो ना तो काफी सारा खाली एरिया है, यहाँ पे कुछ ही बन सकता है स्टेशन ये सब, प्लस वहाँ पे शौचालय और फिर स्नान करने का काफी अच्छा सा सुविधा है, जो कि बिल्कुल ही निःशुल्क भी किया हुआ कांवर को लेके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, यहाँ पे काफी सारे यात्री भी आ रहे हैं, लाइक वो अभी ट्रेन रुकी है ना, तो इससे काफी सारे यात्री भी रुके हैं, उतरे हैं और फिर अपने घर के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, लाइक इधर के साइड से एग्जिट कर रहा है। और इधर की साइड देखो ना तो ऐसे ही खाली खाली है, प्लस शौचालय लिखा हुआ भाई ओपन प्लेस पे, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गलतियां तो इंसान से ही होती है भाई। और मैंने बोला था ना जो भी यात्री आ रहे हैं, जो भी बम आ रहे हैं ना, उनके लिए रहने का सुविधा, तो ये देख सकते हो भाई यहाँ पे लिखा हुआ भी कांवरिया विश्रामालय ऐसा है। तो यहाँ पे कांवरिया जो भी आते हैं ना, बम जो भी आते हैं ना, वो यहाँ पे विश्राम करते हैं। अंदर के साइड आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा विश्राम करने का जगह बना हुआ है, बहुत ही अच्छा। देखो सारे लोग कैसे रेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हो गाइस, सारे लोग ऐसे ही रेस्ट करते हैं। जो भी ट्रेन से आए ना, वो भी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बम जो भी कांवरिया है सारे। तो यहाँ पे पहला सुविधा ये तो पहला है, अभी वीडियो में बने रहना क्योंकि अभी आपको ना दूसरा भी दिखाने वाले, क्योंकि ये तो फर्स्ट है ना। अभी आगे और भी है, जो कि टेंट बना हुआ सामने एक साइड देख सकते हो, वो टेंट बना हुआ है वहाँ पे है, प्लस एक और आगे की साइड भी है जो मैं आपको बस दिखाने ही वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो में बने रहना गाइस। और ये ट्रेन भाई रुकी हुई है अभी, जो कि भागलपुर जा रही है, ये ट्रेन देख सकते हो, भागलपुर अजमेर ये ट्रेन है। तो ये भाई इतना लंबा है, प्लस लिफ्ट का लोकेशन आगे की साइड दिया। और फिर यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे कांवरिया का काफी सारा कुछ बेचने वाला चीज है, क्योंकि ट्रेन से उतरो जो भी खाली आते ना, वो यहाँ से अपना कांवर बनवा लेते हैं, जो भी ये सब बनता है ना, ये देखो बनाने वाला यहाँ पे सारा बनता है। प्लस ये टेंट में भी ना देखो सारे लोग कैसे विश्राम कर रहे हैं, और फोन वोन भी चार्जिंग हो जाता है बिल्कुल फ्री में, कोई शुल्क नहीं लगता। प्लस सामने देखो जितना भी कांवर बन रहा है ना, सारा यहाँ पे कांवर बनाते, जो भी रेलवे स्टेशन से ट्रेन के थ्रू आते हैं ना और ये स्टेशन पे उतरते, वो यहीं से कांवर बनाते। प्लस सामने की साइड देखो ना तो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। तो मैं अभी आपको पीछे के साइड से प्लेटफॉर्म चेंज करके, ये तो एक नंबर है, दो नंबर उधर है, मैंने सॉरी गाइज मैंने ना पूरा प्लेटफॉर्म पहले नहीं बताया। तो ये प्लेटफॉर्म ना टोटल कितना आप लोग काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, टोटल 4 प्लेटफॉर्म है, और उधर के साइड भी शायद होगा 5 में भी मेरे ऐसा ख्याल से, बट जाके उधर देखते हैं फिलहाल। बट हाँ एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छा सुविधा है ना,
ये देखो ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी हर जगह है, एक यहाँ पे है, एक उधर भी है, आगे भी है, वो उधर भी आगे है, मतलब भरा पड़ा है भाई पीने वाला पानी। तो ये सुविधा ना काफी बेटर लगा, बेटर वाला फीलिंग्स आया। और इधर की साइड मौसम देखो ना, तो भाई मौसम थोड़ा बहुत सही होता है, फिर धूप भी बहुत चिलचिलापन वाला आता है, बहुत ही गंदा वाला धूप आता है भाई। ये देखो सुल्तानगंज। तो अभी तो अपन लोग आगे की साइड जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन लाइक कितना प्लेटफॉर्म है ना, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो में बने रहना, अभी आगे की साइड जा ही रहे हैं और यहाँ से क्रॉस होके ना, क्योंकि देखो फ्लाईओवर की तरफ से जाएंगे ना तो इधर वाला मिस कर देंगे इसी कारण से। और सामने की साइड देखो ना तो देवघर जाने वाला, वो ऊपर के साइड रोड दिख रहा है, उधर से सारे लोग देवघर जाते हैं, उधर एकदम नीचे ढूल जाते हैं। तो उधर से देवघर जाने का मतलब 105 किलोमीटर यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस है। तो ये वाली ना 3 नंबर है, बस 3 ही प्लेटफॉर्म है टोटल मानो तो, वो वाली 4 नंबर तो चालू ही नहीं है भाई, बना ही नहीं है तो चालू क्या होगा। और 3 नंबर तो मैं जब से आया हूँ ना यहाँ पे भाई, 3 नंबर पे कोई ट्रेन रुकी ही नहीं है भाई, कोई ट्रेन इधर आई ही नहीं है। तो ये तो ऐसे ही है, मेनली मेन रूट है इसका 2 ही सिर्फ, 1 नंबर उधर के साइड वाला और 2 नंबर ये वाला। और ये अपना फोन जो कि मैंने न्यू फोन लिया है, मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सा फोन लिए है, बस बहुत ही जल्द आने वाली वीडियो में बताऊंगा कौन सा फोन लिया हूँ। और फिर ये ब्लॉग भी न्यू वाला फोन से शूट हो रहा है, तो इसका क्वालिटी बताना कैसा क्वालिटी है। और सामने की साइड देखो ना, तो इधर सारा जगह मतलब अच्छा अच्छा से लिखा पड़ा है, सब कुछ देख रहे हो, माइक वाइक सारा कुछ अच्छा वाला फिट हो रखा है। और इधर के साइड फर्स्ट नंबर दूर से देखने में भाई कितना प्यारा लगता है, देख रहे हो सुल्तानगंज प्लस सारे अंदर कितने विश्राम अच्छे से कर रहा है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। सो गाइस ये देख सकते हो एक ट्रेन आई है जो कि मुजफ्फरपुर की ओर जा रही है, लाइक देख सकते हो इससे भी अपन लोग जा सकते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर अलग रूट में हो जाता है। देख सकते हो भागलपुर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस ऊपर के साइड पड़ रहे हो, तो ये मुजफ्फरपुर की तरफ जा रही है और काफी सारा पैसेंजर्स ये देख सकते हैं, ये लोग यहाँ पे चढ़ रहे हैं ट्रेन पे। सो काफी सारे पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारे पैसेंजर्स तो नीचे उतर चुके हैं। और फिर यहाँ से देख सकते हो कितना भीड़ भाई, मतलब विदाउट टिकट ना काफी ज्यादा लोग ट्रैवलिंग करते हैं। हम भी तो अभी फिलहाल अभी विदाउट टिकट है, लेकिन अभी जा रहे हैं टिकट कटवाने के लिए, तो सोचिए यार चलो आपको क्यों ना भाई सुल्तानगंज का स्टेशन दिखा दे। तो ये देखो मतलब सारा पैसेंजर्स उतर रहे हैं, कुछ लोग चढ़ रहे हैं, प्लस इधर के साइड देखो ना तो बस ऐसे ही सारे लोग का घर है भाई, बिल्कुल स्टेशन के बाजू में ही घर है। और इधर ना हर जगह पीने वाला पानी मिलता है, तो ये ना सुविधा मेरे को काफी ज्यादा बेटर लगा। और मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ ना कहाँ से टिकट कटती, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लस प्लेटफॉर्म तो आप लोगों ने देख लिया ना, टोटल 3 ही प्लेटफॉर्म है, ये 3रा नंबर तो चलता ही नहीं है, बिल्कुल ही बेकार ऐसे ही रखा पड़ा है, बस 2 ही मेनली यूज होता है यहाँ पे, बनाया है क्यों जब यूज ही नहीं करना। तो फिर यहाँ पे देखो ये लोग पुलिस लोग पकड़ के बच्चे लोग से कुछ पूछ रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ पूछते हैं यार, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना काफी सारे बच्चे होते हैं ना जो भाई छीना झपटी ज्यादा करते हैं, कि सिर्फ कुछ भी छीन के ना भाग जाते हैं, तो भाई ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए फिलहाल तो। और फिर यहाँ पे देखो चढ़ने वाला फ्लाईओवर, जिसको क्रॉस करके प्लेटफॉर्म क्रॉस कर सकते हो, ये इधर से आ सकते हो इधर 4 नंबर पे, और उधर के साइड 1 नंबर पे भी जा सकते हो। और सामने के साइड देखो ना तो सारा कुछ टिकट काउंटर सब उधर ही मिलेगा आपको। तो अभी चलते हैं टिकट काउंटर के पास पहले आगे वाला फ्लाईओवर से, क्योंकि आगे भी एक है फ्लाईओवर, तो मैं आपको सारा कुछ दिखा देता हूँ ना। ये तो पहला फ्लाईओवर था इधर साइड से, पीछे के साइड से, और फिर ये आगे के साइड से एक और फ्लाईओवर है, क्योंकि दूर से दिख रही थी, बाजू में जाने के बाद देखते फ्लाईओवर है या फिर नहीं है। ये देखो सारे बम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, इनको रेस्ट करने के लिए उधर बना हुआ, बट फिर भी अपना सुविधा के हिसाब से जहाँ मन किया वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मतलब फैन वैन सारा कुछ लगा हुआ है और हवा तो काफी अच्छा आ रहा है भाई, धूप भी है ना फिर भी अच्छा अच्छा हवा आ रहा है, एकदम मीठा मीठा सा हवा आ रहा है। जरा भाई ट्रेन पे बैठा हुआ फिर भी गाना बजा के जा रहा है, मतलब क्या सीन है यार। कुछ लोगों तो ऐसा ऐसा इंसान बैठ जाता है ना ट्रेन पे भाई, पैसेंजर जो भी लेडीज होते ना उनको शर्मा देता है लोग, ऐसा ऐसा पैसेंजर भी होता है। ये देखो इधर क्या था, इधर बस ऐसे ही था, अच्छा भाई उधर नहीं गए ना वो, सही किए, देख सकते हो इधर भी कावर लेके सारे लोग बैठे हुए हैं। सो ये इधर देखो यार बम, कितने सारे बम है भाई, देखो यार यहाँ पे इन लोग का रेस्ट करने वाला उधर इतना अच्छा बना हुआ है ना गाइस, फिर भी इधर क्या कर रहे हैं ये लोग, देख सकते हो यार कितने सारे बम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। मेला अधिकारी कंट्रोल रूम, अच्छा सारा कंट्रोलिंग इधर पुलिस सीआरपीएफ को देखो ना यार, तो काफी सारा भीड़ में अवेलेबल है, बहुत ही भीड़ है। प्लस इधर से ना एग्जिट होगा, बाहर की तरफ जाना होगा, और उधर से टिकट काउंटर है, प्लस इंक्वायरी उधर देख सकते हो, पूछताछ वहां से हो रही है, वहां से पूछताछ होती है, प्लस उधर के साइड टिकट मिलती है। आगे साइड देख रहे हो अपर बुकिंग काउंटर, वहां पे दिख रहा है
वहाँ पे टिकट बुकिंग होती है, प्लस ये दो नंबर है, तो दो नंबर से अपन लोग क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हैं। और भी बहुत सारे कावर लेके ना इधर उधर सारे बम टहल रहे हैं भाई, मतलब जा रहे हैं अपना रेस्ट वेस्ट करने का कोई जगह ढूंढ रहे हैं, बट जहाँ पे अच्छा जगह मिला ना वहीं पे लोग रेस्ट करेंगे। देख सकते हो गाइस, मतलब बहुत ही अच्छा सा सीनरी आ रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लस ऊपर की साइड ना मेरे को लगा ना मंदिर है, लेकिन ऊपर की साइड ये रेलवे स्टेशन का ही है, क्योंकि ऐसा होता है ना ट्रायंगल में जो ऊपर उठता है ना तो वो लगता है मंदिर टाइप का शेप देता है। और इधर देखो भाई फिल्टर वाला पानी, ये तो फिल्टर होके ही आता है पानी, प्लस ठंडा ठंडा पानी पीने वाला। और यहाँ पे देखो गाइस, देख सकते हो यार कितना, मतलब काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे बहुत अच्छे बम, सारे बम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं गाइस रेलवे स्टेशन पे ही। इधर देखो ना तो सारा सिर्फ बम ही आपको दिखेंगे, पैसेंजर कम और बम ज्यादा। और अभी ना मेनली ज्यादा टिकट चेक नहीं कर रहे हैं टीटी, क्योंकि काफी सारा बम आ रहा है ना। अब देखो गाइस उधर के साइड देख रहे हो, सारे रेस्ट कर रहे हैं, कावर ऊपर लटका दिए और रेस्ट कर रहे हैं भाई, मतलब ऐसा ना मतलब देखने में काफी अच्छा लगता है। प्लस इधर के साइड के ना देखो क्रॉसिंग वाला बना रहा है, शायद इधर के साइड ना ये वाली लिंक करेगी, ये देखो ये वाला ना इससे लिंक हो जाएगा, तो क्रॉसिंग वाला हो जाएगा ना लिंक, उसके बाद आराम से उतरेंगे सारे पैसेंजर उस प्लेटफॉर्म पे भी। मेरे ख्याल से उधर भी बन जाएगा, ये भी पटरी रेडी हो जाएगी इस ख्याल से, क्योंकि ये सब बन रहा है तो भाई पटरी तो रेडी होगा ना। और यहाँ से देखो अपन लोग ऊपर की साइड जा रहे हैं, प्लस सामने की साइड ये ना पूरा खत्म ही पहले कर देते हैं ना, फिर ऊपर की साइड जाएंगे। सुगा जी देख सकते हो ये इधर से एकदम इंड है, देखो ये इधर के साइड बोर्ड लगा सुल्तानगंज का, ये यहाँ पे इंड होता है भाई, तो देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा सीन आता है यहाँ से एकदम। तो यार ये भाई ये देख रहे हो गाइस, मतलब ये सब भीड़ है ऊपर के साइड, देखो मतलब सारे लोग ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, उधर रूम पूरा खाली है लेकिन यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं भाई, क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे बोले ना जहाँ पे मन है वहीं पे रेस्ट करो। सो गाइस ये देखो यार, मतलब जहाँ पे जगह मिलता है वहाँ पे आराम से रेस्ट कर रहे हैं भाई, सही है, अच्छा है, रेस्ट करना चाहिए। प्लस ये देखो सारा सिक्योरिटी एकदम टाइट है भाई, कोई किसी को कुछ भी टच नहीं कर सकता। और ये देखो इधर के साइड पूर्व रेलवे सुल्तानगंज, यहाँ से एंट्री था। और इधर की साइड देखो सारे कवर ये यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, अंदर की साइड इतना अच्छा व्यवस्था रहने के बावजूद बाहर ऐसे रेस्ट करना मेरे को सही नहीं लगता, मैं अगर लिटरली अगर बोलना तो ये सही नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि इतना अच्छा ना, इतना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, और इतना अच्छा व्यवस्था में जब ऐसे रह रहे हैं तो सोचो यार सही नहीं लगता है गाइस, कुछ भी सही नहीं लगता है ऐसे। अंदर कितना अच्छा व्यवस्था आप लोग देखे ही होगे ना, कितना अच्छा अच्छा रूम ब्लॉक वाइज डिवाइड किया हुआ था, प्लस आपके लिए टेंट भी लगाया हुआ है फिर भी, बट चलो कोई ना, अभी अपन लोग ना स्टेशन से अंदर जाते हैं और फिर अंदर का दिखाते हैं आपको टिकट कहाँ से कटवानी, क्योंकि मैं भी एक टिकट लूंगा ना, अपना ट्रेन है सामने तो एक टिकट तो लेना बनता है। तो अभी यहाँ से चलते हैं अंदर, यहाँ से देखो एंट्री है, और यहाँ से अंदर चल के अपन लोग टिकट पहले लेते हैं। ये देखो भाई यहाँ अभी भीड़ भाई, ये देख रहे हो भीड़, अंदर एंट्री लो और तो ये लो भाई इधर भी भीड़, टिकट कहाँ मिलता है यहाँ पे है आरक्षण टिकट खिड़की, तो यहाँ से टिकट मिलता है। और ये देखो यहाँ पे भीड़ देख रहे हो, यहाँ से मेन एंट्री है भाई, यहाँ पे पूछताछ होता है, और यहाँ से देखो कुछ ऐसा सीन आता है भाई, ये देखो इधर भी इतना भीड़ है, सारे बम यहाँ पे ही है। आ गई एक प्रॉब्लम, लाइक अपन लोग टिकट कटवाने के लिए गए काउंटर, तो वो काउंटर पे जनरल टिकट मिलती है, बट अपने को स्लीपर वाला चाहिए, तो स्लीपर का जो रिजर्वेशन वाला होता है ना वो बंद है, तो सोचो यार ये कैसे, मतलब ऐसे नहीं बंद नहीं होना चाहिए ना। अब बताओ मैं ट्रेन पे ट्रैवल करूंगा, सामने अपना ट्रेन है, टीटी अगर पकड़ेगी मैं क्या बोलूंगा कि यार टिकट नहीं है मेरे पास, वो तो भाई फाइन मारेगी ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि टिकट काउंटर बंद था, तो मानेगा, वो तो नहीं मानेगा ना, तो अब क्या ही करें मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट हाँ विदाउट टिकट तो अब ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने घर जानी है, तो यहाँ पे तो रहनी है नहीं कि अपन लोग टिकट का वेट करेंगे, तो काउंटर बंद है, विदाउट टिकट अपने को ट्रैवलिंग करनी है, देखते हैं रास्ते में क्या होता है, टीटी क्या बोलती है। तो अभी तो दिन बहुत खराब हो गया गाइज, ऑलरेडी मेरा दिन आज का खराब है भाई, पूरा धूप में ही पूरा घूमे है, तो देख एंड करेगा गाइज, रेलवे स्टेशन आप लोगों को दिखा दिए कैसा है, प्लस रहने का उत्तम व्यवस्था भी किया गया है, सारे कवरिया बम है जो भी यात्री है कवरिया यात्री। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम गाइस, हर हर महादेव, बाय बाय। अरे भी यार कावरिया लोग के लिए काफी अच्छा अच्छा सा यहाँ पे कावर बनता है,
देख सकते हो यहाँ पे ना हर स्टेशन, ये स्टेशन पे ना हर जगह आपको कावर मिलेगा बनते हुए। प्लस ये किधर जा रही है, ये तो भाई भागलपुर तरफ का रूट पे जा रही है ये ट्रेन। क्या नाम है, सही बंग रामपुर हट, पता नहीं क्या है भाई ट्रेन का नाम, इतना स्पीड जा रहा है पता भी नहीं चलता। और इधर देखो खाने पीने, भाई साहब मिल गया यार खाने पीने वाला अपना समोसा, दाल चावल भी, थाली है, चलो थाली ही खा लेते हैं क्योंकि भूख भी लगा हुआ अपने को बहुत जोड़ों की।